चल तो आज सहजन पत्ता के सब्जी बनावल जाए आ भुंजिया। तो देखिए सहजन पत्ता है, एकरा के तोड़ लिए आराम से, एकर आज सब्जी बनाए। देखिए तो नदी के किनारे पौधा बहुत दूर तक ले पौधा बड़ी सा। अच्छा ये मुलायम मुलायम जो पत्ता होला ओकर हम आज सब्जी बनाता नहीं। देखिए यही कसन पत्ता होके के चाहिए जो मुलायम होके मुंह पर के, ओकर पत्ता के बहुत फायदा होकेला। देखिए इस तरीका से सब पत्ता तोड़ लिए मुँह पर के। देखी तो जो मुलायम मुलायम पत्ता बा हम तोड़ ले ले बनी, अब एक सब्जी बनावल जाए। चलो तो किचन में लेके चलते नहीं अपन रसोई में, अब बनाओ तनी सहजन पत्ता के सब्जी। बोलो तो सहजन के पत्ता तोड़ के हम आवल बनी अपना रसोई में। तो चलिए अब सहजन की पत्ता के बिना मसाला के अब बनावल जाओ सब्जी, और बहुत टेस्टी। बस थोड़ा सा मसाला घर के लगी और ज़्यादा टेस्टी लगी, और टेस्टी तो होगी हेल्दी और रोग मुक्त पत्ता है। मतलब कोई बीमारी होके बीपी वीपी के हाई बीपी के तो बहुत अच्छा से ये कंट्रोल करेगा। अब ये पत्ता के आराम से इस तरीका से शुरू के ले हम, देखिए इस तरीका से आराम से लोग पकड़म तो पत्ता सब निकल जाए। ये पत्ता के आराम से सबके शुरू के लेवे का रो बहुत अच्छा इस सब्जी लगेला, बहुत टेस्टी लगेला और बहुत फायदेमंद भी होगा। सब पत्ता के इसी तरीका से हम शुरू के ले हम सब डाली में से निकाल लेवे के बाद आराम से। तो चलिए सब पत्ता के हम सुरख लेता नहीं आ तब दिखा दे। चलिए तो देखिए हम सब डाली में से एक एक पत्ता के सुरख ले ले बनी। जो डाली होके लाई से ऐसा जो होके एगो दुगो करके आराम से एकदम निकाल लेवे के बाद अभी पत्ता के अच्छा से हम धो देता नहीं। चलिए तो पत्ता के आराम से सब तरीक़ा से मतलब धो दे दी, जैसे कीड़ा मकौड़ा जो होके आराम से निकल जाए। अब चलिए एकरा के बनावल जाओ। बनाए खाती हम एगो पेन रख ले ले मैंने, लोग कड़ाही में बड़ा असर भी ज़्यादा होके तो ज़्यादा बना सका था। अब इधर के अच्छे से गर्म होके दी है, ये ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत ना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हल्का सा तेल डाली ताकि एक में जो फोड़न डलाई ना वो आराम से पक जाए, ज़्यादा तेल की ज़रूरत ना पड़ी। हल्का सा तेल रुआ डालम अब बदले, ज़्यादा तेल मसाला डालम तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहे, जैसे तेल मसाला रुआ खैनी तो तेल मसाला का मतलब ही का बनल। तो चलिए एक रखे अब हमने के तेल के अच्छा से गर्म हो जाएगी। चल तो तेल गर्म हो गए, हमें डाल दी चुटकी भर जीरा, खड़ा जीरा, जीरा के अच्छा से कड़क जाएगी। जीरा कड़क गई बा अब एक में डालम कटल लहसुन, एक दो लहसुन के जई ले ले हम आ कटल डाल दे। हरी मिर्च होके तो ठीक नहीं तो लाल मिर्च भी डाल सकते नहीं अपना स्वाद के अनुसार। अब फिर एक से डेढ़ प्याज, अब सबके हल्का सा लाल हो सकते भून लीजिए। चलिए तो प्याज भी हल्का सा और सब्जी हल्का हल्का लाल हो गई बा, अब एक में डाल दें हम हल्दी पाउडर हल्का सा, ज़्यादा ना हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर एक खाते डाल देने कि हल्का सा डालना पका होगी कलर एक थोड़ा सा अच्छा है, जैसा हल्का सा हल्दी पाउडर। और इस समय का डालने कि हल्दी अच्छा से पक भी जाए। अब थोड़ा सा लहसुन पेस्ट डाल देंगे बिना मसाला के, हल्का सा जो हल्दी होते ना वही ज़्यादा बा, या तो प्याज हरी मिर्च लहसुन और लहसुन के पेस्ट, खड़ा भी लहसुन और लहसुन के पेस्ट, लहसुन के पेस्ट अलग स्वाद दे देगा और खड़ा लहसुन जो काट के डाला वो पर अलग स्वाद होगा। और मसाला के अच्छा से ही लहसुन के भूज ले जाए, चटनी करके जो थोड़ा कम होगा वो आ जाए। चलिए तो ये भुजा दे, अब एक में सब पत्ता हम डाल दें।
अंडा के जरूरत नहीं है, खाली पत्ता डाल दी हुआ आई आराम से हो गया। सहजन के पत्ता फली डाली सब में फायदा हो गया, लेकिन अगर मिल जाए या तो मार्केट में अच्छा से ही मिल जाएगा। अब एक लेकिन चला देने वाले अब एक लगे कवर करके 10 से 15 मिनट खाती बने देना। चलिए देखा जा, देखी तो हमें सब्जी सब बनाने का सहजन पत्ता के हल्का पानी छोड़ देने का। अब एक में हम डालते हैं स्वाद अनुसार नमक, ज़्यादा ना स्वाद के अनुसार ही हल्का सौ में डाली तो ठीक रहेगा इस पत्ता में, क्योंकि पानी सूखी ना तो ही थोड़ा सा हो जाए। तो ये चलते कवे डाली एक रख के अब ढक दिया, आराम से पक दिया। चलिए तो सब्जी के देखिए, देखिए सब्जी होने के बन के तैयार हो गई, थोड़ा सा ही रख के तरीका से दबा दबा के। चलिए तो आप गैस के बंद करते नहीं निकाल के। चलिए तो देखिए अब रोटी चपाती कोई चीज़ चावल दाल के साथ भी लोग आराम से भी खा सकता नहीं। तो हमारा रसोई रोग लोग कैसा लगल तो रोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करम जा। उम्मीद करता हूँ कि हमारा रसोई रोग लोग अच्छा लगा थी। तो फिर मिलम एक नया रेसिपी के साथ और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए सब